फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। और ये मैंने प्याज काट लिया, अदरक काट लिया, उसमें हरी चिल्ली जो है वो भी काट ली, और बेसन का पाउडर लेकर मैंने उसमें नमक मिर्ची डालकर प्याज को उसमें डाल दिया है। अब इस पाउडर को मैं अच्छे से क्या कर लूँगी, धनिया चिल्ली डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी, कुछ इस तरह से। देखिए भी तो इस तरह से मैं पूरा जो मसाला है वो कवर कर लूँगी। ये बेसन है, बेसन के पाउडर के साथ जो है, क्योंकि मैं इसके पकोड़े बनाऊँगी, क्योंकि मुझे आज बनानी है कढ़ी, तो कुछ इस तरह से मैं मिश्रण जो है पहले बना लूँगी। अब जो आपका मनपसंद मसाला है आप इसमें वो भी मिला सकते हैं, और फिर इसमें डाल लें आप पानी। फ्रेंड्स, मेरे एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, इस वजह से मैं इसको अच्छे से ऐसे मिक्स नहीं कर पा रही, लेकिन मैं अभी कैमरे को साइड पर रखकर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब पानी से मिलाकर इसको अच्छे से मिश्रण को तैयार कर लें, कुछ इस तरह से, ताकि जो आपने इसमें अनियन डाला है वो क्या हो जाए, अच्छे से मैदे के साथ मिल जाए। अब हम गैस ऑन कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे, क्योंकि तेल गर्म हो चुका है तो जो हमने तेल बनाया है वो हम इसमें डालेंगे, क्योंकि ये बनने जा रहे हैं बेसन के प्याज के पकोड़े। अब हम इनको एक तरफ से अच्छे से पकने देंगे, और जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो हम इनको पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब इस तरह से ये गोल्डन कलर आने लगे तो समझे कि आपके पकोड़े जो हैं वो अच्छे से जो हैं तैयार हो गए हैं, यानी कि बेसन अच्छे से पक गया है। तो आप इनको अच्छे से घुमा लें और थोड़ी देर में प्लेट में अलग से बाहर निकाल लें। Thank you.
ये एक बार और मैं पकौड़े जो हैं बना रही हूँ, ताकि सूखे खाने में बच्चों को अच्छे लगते हैं और बड़ों को भी, तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा भी बना रही हूँ। दोस्तों जब तक यहाँ पकोड़े बनते हैं, वहीं पर मैं साइड में, क्योंकि मुझे बनानी है कढ़ी, तो साइड में मैं जो है कढ़ी का पानी भी तैयार करूँगी। तो मैंने ये क्या किया है, एक पतीले में बेसन का पाउडर लेकर उसमें मिर्ची, नमक और जीरा, जो भी आप अजवाइन चाहें तो वो भी मिला लें, मिक्स कर लें। अब मिक्सर में मैं पानी डाल लिया है, उसको अच्छे से जो है मैं मिक्स कर रही हूँ। तब तक यहाँ पर पकोड़े जो हैं वो बन रहे हैं। अब देखिए अभी थोड़ी देर में मैं इनको पलटूँगी। और ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने थोड़ा सा बेसन लेकर उसमें मैंने पानी मिलाया है, और आप इसमें लस्सी मिला सकते हैं, आप इसमें दही मिला सकते हैं, ठीक है। ऐसा मिश्रण बनाने के लिए लस्सी से बनाई हुई कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनती है, तो आप इस तरह से उसका मिश्रण तैयार कर लें। देखिए यहाँ पर ये पकौड़े भी अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, तो मेरा इनको भी हिलाना ज़रूरी है, नहीं तो वो जल जाएंगे। अभी देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है आपके सामने। अभी थोड़ी ही देर में मैं जो पकोड़े बन गए हैं उनको मैं डालूंगी कढ़ी के पानी में, लेकिन कैसे डालेंगे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके लिए मुझे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, पकोड़े कितने अच्छे दिख रहे हैं, गोल्डन कलर में क्रंची क्रंची से बनकर तैयार हो गए हैं। इनको अगर सूखे खाना है तो चटनी के साथ खाने में भी मज़ा आएगा, और इसके अलावा इनको मैं कढ़ी में भी डालूंगी। फ्रेंड्स, ये जो मैंने मिश्रण तैयार किया है जो आपको दिख रहा है, इसमें जो थोड़ा सा बचा हुआ बेसन का पेस्ट था वो मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया है, और मैं इनको अब अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इन्हीं का मैं बनाने जाऊंगी। फिर अब इसी पानी को मैं क्या करूंगी, जो तेल गरम हो रखा है उसमें मैं देखिए किस प्रकार से थोड़ा सा लहसुन डाल लूँगी, थोड़ी सी चीनी डाल लूँगी, जीरा डाल लूँगी। अगर आपको अजवाइन पसंद है तो आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर इस मिश्रण को हम क्या करेंगे, कढ़ाई में जहाँ पर गर्म हो जाएगा, मसाले भून जाएंगे, उसमें हम इसको डालेंगे और अच्छे से पकाएँगे। मैंने पानी से इसको बनाया है इसलिए मैंने नींबू डाल लिया है इसमें थोड़ी खटास लाने के लिए, और इसको अच्छे से मिला लूँगी। अगर आप लस्सी से बनाते हैं, खट्टे दही से बनाते हैं, तो हमें नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये रहा लहसुन, अब इसको मैं डाल दूँगी, और ये रहा कड़ी पत्ता, मैं इसको भी जो है यूज़ करूँगी। देखिए, और ये पकौड़े, तो हमारा जो मटेरियल है कढ़ी बनाने के लिए तैयार है। तो अभी हम देखिए गरम गरम तेल में मैंने लहसुन डाल दिया है, कढ़ी पत्ता जो था उनका सूखा कढ़ी पत्ता था तो मैंने उसमें डाल दिया है। अच्छे से जो भून जाएंगे तो मैं फिर उसमें जो मिश्रण मैंने तैयार किया है उसको मैं उसमें डालूंगी, और अच्छे से कढ़ी को काफ़ी समय तक घुमाती रहूंगी। उसके
थोड़ा थोड़ा जो पेस्ट जो है वो क्या हो जाए, थिन हो जाए, हल्का हल्का, बहुत अधिक नहीं। अगर आप उसको क्या करेंगे, हिलाएंगे नहीं, तो जो आपकी कढ़ी है वो पूरी तरह से मोटी परत ले लेगी, और हमें कढ़ी में मोटी परत नहीं लानी होती है। तो इसलिए हम कड़छी को क्या करते हैं, अच्छे से घुमाते रहते हैं। देखिए रंग कितना खूबसूरत आया है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। फैंसी, मैंने हल्का सा जीरा जो है वो ऊपर से डाल लिया है इसमें, क्योंकि मुझे हल्का सा जीरे का, कच्चे जीरे का स्वाद अच्छा लगता है जो ऊपर से हम डालते हैं उसका, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाल लिया। और देखिए मैं कड़छी को घुमाती रहूँगी थोड़ी देर तक, जब तक अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाए और अच्छे से, और कढ़ी जो है वो अच्छे से क्या ना हो जाए, पक ना जाए, तो तब तक मैं इस कड़छी को अच्छे से घुमाती रहूँगी। याद रखें दोस्तों, हमें जो कढ़ी जो हम बनाते हैं उस पे परत नहीं जमनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आता है खाने में। इसलिए हमें इसको हिलाते रहना है ताकि जो हम बना रहे हैं कढ़ी वो अच्छे से पक जाए। दोस्तों अब मौका आ गया है जब मुझे अब इसमें क्या डालना है, पकोड़े डालने चाहिए, क्योंकि हमारी कढ़ी जो है वो पक चुकी है। गैस में बंद कर दूंगी और अब मैं इसमें डालूंगी पकोड़े। दोस्तों मैंने जो पकोड़े बनाए थे प्याज के, वो मैंने कढ़ी जो है हमारी बन चुकी है उसमें मैंने उनको डाल दिया है और अच्छे से डुबो भी दिया है, देखिए। और ये हमारी कढ़ी हो गई तैयार। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।